बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है लीनियर कम्बिनेशन। लेट एफ वन एफ टू एफ एन आर एन फंक्शंस, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू सी वन टाइम्स एफ वन प्लस सी टू टाइम्स एफ टू प्लस अप टू सी एन टाइम्स एफ एन एस कार the linear combination of the functions f1, f2, up to fn, where c1, c2, up to cn are the constants. So here if we have functions f1 up to fn and if we have constants c1, c2, up to cn, then if we can express the functions in terms of this relation, then we call it a linear combination of the given function. So we have to remember this definition, and we have to remember the way of writing the functions in terms of this expression. Now we come to the next slide, theorem, page 440. ये theorem mathematical technique के page 440 पे है। Any linear combination of two or more solutions is also its solution. Any linear combination of two or more solutions is also its solution. That is f y 1 y 2 up to y n are n linearly independent solutions of the differential equation f of dy is equal to 0. This differential equation is homogeneous linear differential equation of nth order in some given domain. Then the linear combination y is equal to c1 y1 plus c2 y2 up to cn yn is also a solution of the equation in the same domain. c1 c2 up to cn are arbitrary constant. यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो, यानी सॉल्यूशन y1 हो, y2 हो, अप टू yn, ये सारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो, तो इन सॉल्यूशन का जो लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो भी दिए हुए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो इसी थ्योरम में इसी बात को वाज़े और साबित करना है। सिंस वाइज आर सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट वाइज, दैट इज वाई वन वाई टू अप टू वाई एन, दीज आर ऑल सॉल्यूशंस फॉर दिस होमोजीनियस इक्वेशन। सिंस वाइज आर सॉल्यूशन, दैट इज वाई वन वाई टू अप टू वाई एन आर सॉल्यूशन, सो दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई दिस होमोजीनियस इक्वेशन। Thus putting value of y, that is replace y by y1, y2, up to yn, all these solutions will satisfy this homogeneous equation. So these are the result. Now taking f of dy, this y which is equal to c1 y1 plus c2 y2 up to cn yn, this y is the linear combination of the solution y1, y2, up to yn. So putting value of y is this bracket. Now multiplying this, f of d will be multiplied with the first term, similarly with second term, similarly up to with the last term. Now this c1 is constant, so it will be here, c2 is constant here. Now since y1 is solution, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसी डिफरेंशियल के जो सॉल्यूशंस है वाई वन है, तो वाई वन जब हमने पुट किया तो सेटिस्फाई हो गया, रिजल्ट ज़ीरो आ गया। इस तरह वाई टू जब हमने पुट किया तो सेटिस्फाई हो गया, रिजल्ट ज़ीरो आ गया। तो इस तरह इस ये जो फर्स्ट टर्म है
इसमें ये जो एफ आफ डी वाई वन है ये ज़ीरो है, इस तरह यहाँ पे एफ आफ डी वाई टू भी ज़ीरो है, और इस तरह ये लास्ट टर्म में एफ आफ डी वाई एन भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से ज़ीरो आ गया, तो हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था एफ आफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया वैल्यू ऑफ वाई से, और वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पे दिया हुआ है एज अ लीनियर कम्बिनेशन, दैट इज वाई इज इक्वल सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी एन वाई एन इज द जनरल आर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वैल्यू ऑफ वाई जो लीनियर कम्बिनेशन है ऑफ दीज सोल्यूशंस वाई वन वाई टू अप टू वाई एन, तो ये वाला क्या है, इट इज़ द जनरल आर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, द कोएफिशिएंट्स मे बी फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट, द कोएफिशिएंट मे बी फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट एनी कांस्टेंट टाइम अ सोल्यूशन इज आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इज इक्वल टू any constant time a solution is also a solution of f of d is equal to 0। मतलब ये है कि अगर किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो, सपोज़ y हो या y1 हो, तो अगर इसके साथ हम एक कांस्टेंट है ज़र्ब दे दें तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। any constant time a solution is also a solution of the homogeneous differential equation, तो लेट सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन आर इक्वल टू ज़ीरो। लीनियर कम्बिनेशन जो हमने लिया था उसमें सी वन सी टू अप टू सी एन था, तो उसी कम्बिनेशन में अगर हम सी टू सी थ्री अप टू सी एन इक्वल टू ज़ीरो ले, देन एफ वाई इज इक्वल टू वाई वन एज अ सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन, देन बाय अबाउ थ्योरम दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन, दिस विल आल्सो बी द सोल्यूशन। So putting the value of C2, this C2 is 0, so this term vanishes. Similarly, the next term will be vanishes. All these terms are equal to 0. Hence, we get y is equal to C1, y1 is also a solution of this homogeneous equation. Note number 2, यहाँ पे ये बात discuss हो रही है कि अगर किसी भी homogeneous differential equation का एक solution हमारे पास हो और इसी सोल्यूशन को अगर हम किसी कांस्टेंट से ज़र्ब दे, तो वो सोल्यूशन, वो नया सोल्यूशन भी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और हमने थ्योरम में प्रूव किया कि अगर किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल का के सोल्यूशन y1, y2, yn हो, तो उन सब सोल्यूशन का जो लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो भी एक सोल्यूशन होगा। अब इसी लीनियर कम्बिनेशन में अगर हम कांस्टेंट सी टू सी थ्री अप टू सी एन को ज़ीरो ले, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बनता है। तो जिस तरह ये पूरा लीनियर कम्बिनेशन एक सोल्यूशन है, तो इस तरह ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये भी एक सोल्यूशन हुआ। तो अगर y1 सोल्यूशन है तो c1 y1 भी एक सोल्यूशन है। इस तरह अगर y1 y2 अप टू वाई एन सोल्यूशन हो, तो ये लीनियर कम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन होगा। एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस ऑफ इफ ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो इज आल्सो ए सोल्यूशन। ये जो नोट में थर्ड है, ये स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम है। तो यहाँ पे हमने थ्योरम को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस थे, उन इन सारे सोल्यूशन का जो लीनियर कम्बिनेशन बनता था वो भी एक सोल्यूशन है जिसको हमने साबित किया। इसके अलावा अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो, अगर इसी सोल्यूशन को अगर हम किसी कांस्टेंट से ज़र्ब दें, तो वो भी एक सोल्यूशन होगा। थैंक यू।